नमस्कार, स्वागत है आपका सीएमएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कनिका। साइबर सिटी के अति व्यस्ततम इलाके मनोहर नगर इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की असफल कोशिश की। दरअसल मनोहर नगर गली नंबर 1 में भारतीय स्टेट बैंक की मनी ट्रांसफर की शॉप है, जिसके मालिक तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच सामान्य दिनों की भांति ही मनी एक्सचेंज के काम में जुटे थे कि तभी 2 से 3 हथियारबंद बदमाश दुकान के अंदर दाखिल हुए और शॉप मालिक से मारपीट कर पैसा छीनने के प्रयासों में जुट गए। कानून से बेखौफ शातिर बदमाशों ने दुकान में घुसते ही सबसे पहले सीसीटीवी डीवीआर को कब्जे में किया और दुकान मालिक से हाथापाई करने लगे। शोर सुनकर जब स्थानीय निवासी दुकान की तरफ आए तो बदमाश डीवीआर ले मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मनोहर नगर गली नंबर 1 में मनी ट्रांसफर के शोक में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश तो की, लेकिन स्थानीय लोगों का दखल देखते हुए बदमाश मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें कि भागते हुए बदमाश साफ तौर से देखे जा सकते हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सिटी राजीव यादव की माने तो दुकान में तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए कैश मौजूद है। जांच करने पर पूरी रकम मौके से बरामद हो गई है। क्या नाम आपका? विकास। विकास कहाँ रहते हैं आप? मैं सेक्टर 9 में रहता हूँ, दोस्त की दुकान है। फोन आया था मेरे पास, दोस्त ये दिल्ली गया हुआ था माल लेने से, साला रहता है दुकान से। अच्छा, जैसे हो गया है, बंदे आए बंदूक दिखाते पैसे लूट के मारा भी है उसके साले को, जिनका नाम है साले का, वो हैंडी गया है। अच्छा, कितने लोग थे? 4 बता रहे हैं। और कितने बजे की बात है? ये करीब हो गया 1:30 बजे के आसपास। सीसीटीवी फुटेज में क्या कैद हुई है? नहीं, कैमरे का जो साजिश होता है ना वो ले गए, वो साले वही ले गए। हाँ, वही ले गए। हाथ में क्या था? अब ये तो पता नहीं भाई, मेरे पास तो फोन आया था, यहाँ आने के बाद पता चला वो बंदूक था, वो एक बाइक पे बाहर बैठा हुआ था, 3 अंदर गए। कितना तकरीबन कैश था? कैश तो भाई का फोन आया था, वही दोस्त का फोन आया था, कह रहा 4-5 लाख रुपए था। बंदे पूछताछ हो रही है, कुछ नीचे वाले गल्ले में था, कुछ ले गए ऊपर। ओके, वो चेक होकर पता चलेगा। ऐसा है कि कंप्लेनिंग ने सूचना दी थी लूटी हुई, लेकिन अब हमने मौके पे आके देखा सारा कैश इनका इंटैक्ट है, जो इन्होंने खुद काउंट कर लिया है। झगड़ा हुआ है और जो 2-3 लड़के एजुकेशन लगा रहे हैं उन चीज की वेरिफिकेशन करके हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मौके पे एक एक्यूज का जूता और एक घड़ी टूटी हुई जरूर मिली है, इस बारे में हम FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कैश वाली बात अभी तक प्रूव नहीं है, सारा के सारा कैश हमने काउंट करा लिया है। और ठीक, हथियारबंद बदमाश थे सर, ऐसा उनका आरोप है, किसी दो के कुछ कर रहे हैं। अभी इनका सीसीटीवी, इनका जो एलिगेशन है कि उसका जो ड्राइव है वो निकाल के ले गए, इस कारण से अभी तक फुटेज नहीं मिली है। जैसे ही चीज आएंगे वेरिफिकेशन के दौरान, 2-2 सब्जेक्ट आएंगे, हम इसको सारा क्लियर करके अब दोषियों को गिरफ्तार करेंगे। कितने बदमाशों से टोटल? इन्होंने 3 आदमियों के बारे में कहा कि 3 लोग।